Time frame है, और जब मैं एनालिसिस करता हूँ आई प्रीफर गोइंग टू दायर टाइम फ्रेम फर्स्टर टाइम फ्रेम एन दोस्ट्रेम की जरूरत पड़ी तो आर्ली एंड टू आर्गर मैं मंथली टाइम फ्रेम देखता हूँ निफ्टी का तो ट्रेंड ऊपर है इसमें कोई शक नहीं है ओनली थिंग इज वी आर इंचिंग नियर दिस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन दिबनाची एक्सटेंशन विच इज समेर अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड काफी दूर है अभी चार सौ साढ़े चार सौ पॉइंट अभी भी जगह है कोई नेगेटिविटी नहीं अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखू निफ्टी फ्यूचर्स का तो हम देख पाएंगे कि ट्रेंड ऊपर है एंड मैं इस पर्टिकुलर प्राइस को लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट करता हूं तो आपको ये बहुत क्लियरली दिखेगा दैट वी डू हैव अर हाई इन प्राइस एंड लोअर हाई इन आर एस आई ठीक है इज दिसगेटिव डाइवर्जेंस जिसको हम जनरली एनसीडी शोज दैट अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ ठीक है तो जो आने वाले टाइम पे जो मोमेंटम होगा मार्केट में उतना ज्यादा नहीं होगा थोड़ा सा मोमेंटम कम होगा ट्रेंड चलते रहेगा बट एक चीज वीकली टाइम फेम पे हम जरूर देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो राउंड फिगर बोल सकते हो यानी किस इन निफ्टी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस पच्चीस हजार दो सौ पच्चीस पे था दो सौ पचास पे था और अभी पच्चीस हजार चार सौ बीस और चार सौ के बीच में है

ट्रेंड uh, ऊपर की तरफ है बट वी आर ऑल्सो एट रेजिस्टेंस तो क्या ये एक साइन है जनरली टॉप आउट का वेन एवर वी है तो फर्स्ट थॉट एक ट्रेडर के माइंड में आता है कि क्या ये टॉप है देखिए बुल रन में कभी भी टॉप को स्पॉट करना इतना आसान नहीं होता तो मैं इतना ही बोलूंगा दैट अ ट्रेडर शुड बी करंटली कॉशियसली बुलिश वाई सेइंग कॉशियसली बुलिश अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं डॉलर इंडेक्स खोलूंगा

और यहां पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बाइंग आ रहा है मल्टीपल टाइम्स सिंस मेनी मंथ्स ठीक है फर्स्ट थिंग इज दैट यानी कि सपोर्ट पे दूसरा चीज अगर मैं ये वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो देर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्राइस मूविंग एवरेजेस आर भी एक बार तीस के नीचे जा चुका है अगर आप डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखते हो विच इज द लोएस्ट टाइम फ्रेम राइट नाउ थोड़े दिन पहले अगर आप आर एस आई और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप अगर आप चेक करोगे तो आपको यह चीज मिलेगी लोअर लो इन प्राइस हायर लो इन आर एस आई विच इज कॉल्ड पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिस इज क्लासिकल पॉजिटिव डाइवर्जेंस यस दिस इज पॉजिटिव डाइवर्जेंस यानी कि डॉलर इंडेक्स अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो एक अलग बात है वरना चांसेस ऑफ डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेटिंग और ट्राइंग टू पुल बैक इज हायर

तो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा है प्लस यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कौन से सेक्टर में आपको पोजिशन बनानी है जैसे कि मेटल में अगर आप देखोगे तो इनिशियली मेटल ट्राइंग टू पुल बैक इन डेली चार्ट लास्ट दो दिन में थोड़ी सी सेलिंग इज नॉट गुड सो आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि ये सेलिंग सिर्फ टेम्पररी है और वापस इस हाई के ऊपर ब्रेक करती है या नहीं बिकॉज इनिशियली मेटल वॉज लुकिंग वेरी वेरी जूसी इट वॉज लुकिंग रियली ग्रेट फॉर बुलिश ट्रेडर्स

हाँ, आपके पास अगर कुछ पुराने ट्रेड्स खड़े यानी कि अगर पांच ट्रेड छह ट्रेड पुराने हैं और आपके पार्शल प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज अगर एक बार आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है जनरली लूजिंग मनी इन दैट ट्रेड इज नॉट वेरी वेरी प्रॉबेबल और आपके ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉपलॉसेज को आप ऊपर लेके आइए अगर किसी ट्रेड में आपको पैसा मिल रहा है इट इज नियर द फर्स्ट टारगेट एग्जैक्टली फर्स्ट टारगेट के पास नहीं तो उसको जितना हो सके उतना जल्दी बुक कर लीजिए अराउंड दिस जोन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज समझ लीजिए कि पच्चीस हजार चार सौ के ऊपर भी अगर हम क्लोज करते हैं तो आगे आने वाले तीन सौ साढ़े तीन सौ पॉइंट पे मंथली टेम फ्रेम चार्ट में भी निफ्टी फ्यूचर्स में रेजिस्टेंस सो अगेन प्लीज टेक केयर ऑफ दैट और आई होप दैट आज का जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा समझने की मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है लेट मी नो विथ योर कमेंट्स बिलो द वीडियो की आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड हो सके तो दूसरे ट्रेडर्स के साथ भी शेयर करिए तो उनको भी मदद मिलेगी समझने में कि आने वाले टाइम पे मार्केट में क्या हो सकता है ट्रेडलेस वाइजली, थैंक यू